फिगर भी ऐड करोगे ब्लैक वाला तो भी वो अच्छा लगेगा, बस बैक फिगर अगर आपको ऐड करना है या फिर यहाँ से अगर जैसे अभी ये मैंने ट्री का इफेक्ट आपको दिखाया है तो यहाँ से हम ऐसे झूले का इफेक्ट दिखा के यहाँ पे एक गर्ल भी दिखा सकते हैं तो वो भी एक अलग पेंटिंग हो जाएगा।
बैकग्राउंड कुछ ड्रॉ करना है तो पहले ड्रॉ कर लो, फिर बैकग्राउंड क्रिएट करके देन फिर आप इजीली हो सकता है। इनकेस कभी बड़ा कुछ ड्रॉइंग करना है और हम लोग कंफर्टेबल नहीं है कैनवस पे करने के लिए, तो सेम साइज के पेपर पे आपको पहले ड्रॉ करना है और फिर आप जैसे येलो कार्बन वगैरह यूज़ करते हो तो येलो कार्बन से इसके ऊपर ट्रेस करना है। ब्लू कार्बन मोस्टली यूज नहीं करना है क्योंकि ब्लू थोड़ा डार्क होता है ना, पैचेस कार्बन पेपर है ना, प्रेसिंग पेपर, हाँ सो तो अपन यूज करू शकतो याला ट्रेसिंग करना। सो ड्रॉइंग पण खराब नाही होत, कॅनव्हस पण खराब नाही होत आणि तुमचं जे पण करायचं ते परफेक्ट, आणि पेपरवर इरेज करू शकतो ह्याच्यावर आपण इरेज करताना त्याचे मार्क राहतात कॅनव्हस।
ठीक है, ऐसे ही छोड़ोगे तो भी चलेगा, वो व्हाइट है ना तो हाँ, उस व्हाइट में ये मैच हो जाएगा, बस कहीं पर ब्लू का टचअप दे दो बस हो गया। एंड इसमें रेड भी आप लोगे व्हाइट के साथ तो ये हाँ थोड़ा थोड़ा कॉन्ट्रास्ट में जाएगा ना तो अच्छा लगेगा। ये पूरा ब्लू कर दो नीचे तक, ये पूरा सेम टेक्सचर यहाँ पर आ जाएगा और सिर्फ पास में आपको अलग करना है वो मैच हो जाएगा। Important white or special
shades ke liye to bhi acha lagega. So very very light brown or fir edges pe edges pe go thoda sa crisp sa. Some more light should I तिने जास्त कलर अप्लाय केला ना त्यामुळे तो सुकत ज्यादा लेयर होते ना लगता है ना वाइट ना
पेपरचा ट्रान्सफर केला ह्याच्यावर, पेपरवर हे ड्रॉइंग होतं ना ते ह्याच्यावर ट्रान्सफर केलं आणि क्ले यूज केलं. हां क्ले आणि ह्याच्या रिलेटेड इथे कलर्स घेतले. इमेज ट्रान्सफर विथ इम्पास्टो टेक्निक असं आहे, मिक्स मीडिया टाईप. त्याच्यामध्ये पेपर पण यूज झाला आहे, क्ले पण यूज झाला आहे आणि कलर्स पण यूज झाला आहे. ये ऐसे नहीं है, आयशा से फोटो नहीं चाहिए, हाँ टैग्स चाहिए आईएनएसडी बेलापुर. मैं आपको बता दूँ झालं. सगळ्यांचं मी निघाला तर चालेल चालेल कारण आता ऑलमोस्ट झालं आहे ना सगळ्यांचं. कुछ डाउट्स है क्या आपको, कुछ पूछना है मैम को?